सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह को पहले शक्ल दिखाऊंगा सुरेश की आपको, ताकि आपको देना अच्छा ना जाए। एंड अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सुरेश, दो कटिंग ठंडी चाय, ओनली पानी, नो दूध, जल्दी जल्दी। भाई सुरेश को मैंने भेजा वहाँ पे चाय लेने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी जाना है एयरपोर्ट। एंड चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगी थी, सुरेश को भी लगी थी, तो सुरेश को बोला भाई फटाफट जाके चाय लेके आ जा भाई। ये देखो बेचारा हमारा प्यारा सा इंसान, एक दूसरा डोरेमोन है। धन्यवाद। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अंदर बैठ चल जल्दी। ठीक, कुछ भी बोलते हैं जल्दी बैठ। सुबह के बज गए 7:15 एंड अभी हम सुन रहे चार भगवान के गाने। हमारे फिलहाल वास्तव का गाना बज रहा है, फिलहाल मैंने पॉज कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट लगेगा। अब प्लान ऐसा है कि मुझे सबसे पहले पहुंचना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, T1 पे जाना है, क्योंकि क्लाइंट आने वाले हैं फ्रॉम जयपुर। अभी मैं पहुंच चुका हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। मुझे एक्चुअली जाना है T1 पे, T2 पे नहीं जाना है। फ्लाइट जो आ रही ना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर और इंडिगो फ्लाइट है, तो इट इज़ गोइंग टू कम इन टर्मिनल 1। तो टर्मिनल 1 इसके आगे है, आपको वो टावर दिख रहा है? देख मैंने बस की जाने दो, बस जाने दो, बस के पीछे पहुँच जाते हैं। देखो वो सामने जो टावर दिख रहा है, छोटा सा टावर, लेकिन वो है बहुत बड़ा टावर, तो वहाँ पर हमको जाना है। भाई अभी गाड़ी में बैठ कर मतलब सब कुछ एडजस्ट करना है, गोप्रो का सेटिंग करना है, बिकॉज रिशन इसको निकाल के रख दिया था अंदर। और मेरा ये पूरा सामान है, इसमें एक्चुअली सामान इस बार बढ़ गया है, क्योंकि मैं पावर बैंक भी लेके आया हूँ एंड इस बार मैं अपनी दवाई भी लेके आया हूँ। अभी दवाई किस चीज़ की? इसकी, क्योंकि इसका मैंने ऑपरेशन किया था 2 दिन पहले। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाला था एंड बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, DM करके पूछा था कि भाई अभी तबियत कैसी है। तो भाई तबियत अभी एकदम सही है, एकदम फाइन हूँ मैं। कुछ ज़्यादा मेजर ऑपरेशन नहीं था, हल्का था, हार्डली 10 मिनट का ऑपरेशन था। एंड ये जो पूरा पार्ट था ना, जहाँ पे मुझे इतना बड़ा बॉयल आ गया था, तो उन लोग ने उसको इंजेक्ट करके पूरा जला दिया है। तो बर्न एक्चुअली रियल बर्न हो रहा था भाई, मतलब मैं जब ऐसे लेटा था ना एंड जब वो उसे पिन कर रहा था ना, तो पूरा से जलने का स्मेल आ रहा था मेरे को एंड ऐसा पूरा धुआं निकल रहा था मेरे को। तो मैं एक सेकंड में लगा क्या हो रहा है, बट भाई डॉक्टर बहुत सही थे एंड बहुत अच्छे थे, मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। भाई अभी आ चुका हूँ मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पिकअप पॉइंट पे, अभी यहाँ से क्लाइंट का पिकअप करूँगा, आर फिर निकल जाएगा शिरडी के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ से गोप्रो से शूट नहीं कर पाऊँगा, लास्ट में मैंने शूट किया था टाइम लैप्स, तो मुझे प्लीज़ फटाफट बता दो कमेंट्स में कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर भाई इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ ही नहीं करूँ। सुबह के बज के 9:30 एंड अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याण के आगे HP के पेट्रोल पम्प पे। टाइम फुल कर रहा है यहाँ पे, 92 भी का लेट है यहाँ पे। अभी यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे त्रंबकेश्वर, पहुँचते पहुँचते में कम से कम 11:30 बज जाएंगे, 11:30 नहीं 12, 12:30 तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग को लंच में ना ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लेना है। भाई अभी हम लोग एक छोटे से होटल में आए हैं एंड यहाँ पे मैंने मंगा लिया बटर सादा डोसा एंड चटनी साथ में, मतलब आता ही है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ज़्यादा हैवी खाने का नहीं है और आगे का होटल में रुक भी नहीं वाले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो यहाँ पर बहुत कम रश था, तभी हम लोग यहाँ पर आए। अच्छी होटल है, तो अभी खा के टेस्ट करते हैं कि खाना भी कैसा है। पर नाश्ता हो गया है एंड एक्चुअली जब हवा पड़ा था ना गाड़ी में पेट्रोल पंप पे, तो वो बोल रहे कि इसमें ना सिर्फ 20 पॉइंट हवा था, इतना 20 का प्रेशर था इसके ऊपर, तो उसने बोला कि आप चेक करवा लेना, ऐसा पंचर तो है नहीं। एंड होटल का नाम ये था एंड खाना मुझे आउट ऑफ 10 आई कुड टेल लाइक 5.5, इतना कोई मज़ा नहीं आएगा मुझे खाना खाने में, ना ही चाय में इतना मज़ा आया। अभी बैठे गाड़ी में एंड थोड़ा सा व्लॉग एडिट करते हैं। मैं सब दोपहर के बज गए ऑलमोस्ट 1 एंड अभी हम लोग पहुँच चुके हैं त्रंबकेश्वर एंड आप देख सकते हो भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। आज तो मैंने गाड़ी डबल पार्किंग में पार्क की, मतलब ये गाड़ी को निकलना रहेगा ना तो मुझे गाड़ी हटानी पड़ेगी यहाँ से, या वो गाड़ी को निकलना पड़ेगा तो नहीं, वो तो आगे से निकल जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक और दोस्त की गाड़ी आई है श्रीकांत करके, तो पता नहीं अभी कहाँ पे है या पार्किंग में, देखना पड़ेगा भाई, खोजना पड़ेगा इनफैक्ट मेरे को। तो अभी जाता हूँ बाहर धूप में एंड देखते हैं कहाँ पे है वो। भाई बाहर जाकर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि श्रीकांत से जस्ट बात हुई एंड श्रीकांत ने बोला कि उनके जो क्लाइंट है ना ऑलरेडी आ गए गाड़ी में, वो अभी निकल रहा है फ्रॉम त्रंबकेश्वर टू गो टू शिरडी। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले और सबसे लास्ट काम यही है, सीट पीछे करो, गाड़ी चालू करो, AC चालू करो और सो जाओ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी नैप चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी नींद आ रही थी मेरे को, तो अभी सो जाते हैं। भाई दोपहर के बज गए 1:30 एंड एक छोटा सा हल्का फुल्का नैप ले लिया, अच्छा लग रहा है। अभी गाड़ी फिलहाल तो मैंने विंडोज ओपन कर दी है, AC बंद कर दिया है एंड अभी गाड़ी में बैठूंगा थोड़ा टाइम तक एंड फिर देखते क्लाइंट कभी आते हैं, उसके बाद निकलना डायरेक्टली टू गो टू शिरडी। भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लोनी रोड पे, ये आगे लोनी रोड पे, लास्ट में यहीं पर रुका था,
पहले तो मैंने मंगाया गर्मा गर्म मिसल पाव भाई, बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली अभी ना ये सामने के रूट से ना ये भी आ रहा है, अपना राज भी आ रहा है, तो मैंने राज को बोला भाई फटाफट इधर आ जा और उधर पार्क कर गाड़ी और अपन मिलते हैं। और यहाँ पे ना मस्त गर्मा गर्म कांदा भजी मिलता है, तो साथ में खाते तब तक मैं ये खा लेता हूँ भाई। सो फाइनली, और राजू क्या चाहिए मामा? पाव बोला। पाव? अच्छा, तो तुमने ये बोला ना बटे का भाजी। हाँ, तो पाव के साथ खाऊंगा ना। बटे का भाजी पाव के साथ सही है, ऐश है तुम्हारी। अरे अपना कांदा भाजी, मैं बहुत टाइम हो गया क्लाइंट गाड़ी में बैठे कब के, बैठने दो ना। अरे पागल हो गया, बैठने दो, निकलना मेरे को। शाम के बज गए 6:30 एंड मैं पहुंच चुका हूँ होटल सन एंड सैन। अभी फिलहाल मैं गाड़ी पार्क किया हूँ पार्किंग में यहाँ पे। तो अभी प्लान ऐसा है कि मुझे सबसे पहले मैंने गाड़ी में ना जो मेरे पीछे का कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पता है इसमें दिख रहा है कि नहीं। तो पीछे का जो कैमरा था ना मेरा, तो क्लाइंट ने ना ऐसा हाथ में आके उसको घिरा दिया। अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ चिपकाने के लिए, लेकिन वो 3M का जो टेप था ना उसका पूरा जो गम का जो पावर होता ना भाई, वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी वो पकड़ नहीं रहा है, लगा रहा हूँ तो कुछ टाइम के बाद वापस गिर जा रहा है वो। तो अभी मैं देखता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है, लेकिन उसके पहले मुझे जाना है सुसु करने भाई। तो यहाँ पे ड्राइवर वॉशरूम किधर है मुझे पता नहीं, तो जाके वॉशरूम को पूछता हूँ। एंड भाई अभी हम बैठे हैं एकदम पीछे की सीट पे, एंड मैं आपको बता रहा था ना, देखो ये है वो कैमरा है, इसको मैं कम से कम 10 बार चिपका चुका हूँ ऐसे, लेकिन वो चिपक नहीं रहा है। गम का जो पावर था ना भाई, वो पूरा खत्म हो गया है। अभी कस्टमर ना इधर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ्रैक्शन करके दिखाता हूँ। ऐसे बैठी थी, ऐसे क्या किया उसने पता नहीं, ऐसे कैसे करके निकल दिया, तो ये सारा निकल गया, अभी चिपक ही नहीं रहा है। अभी मुझे कल वापस जाना है, अभी तो मैं हूँ शिरडी में, शिरडी से जाऊँगा मुंबई, एंड जैसे क्लाइंट को ड्रॉप करूंगा उसके 2 घंटे के बाद वापस मुझे निकलना है फ्रॉम मुंबई टू गो टू नासिक। एंड कैमरा की हालत ऐसे हो गई है, अभी इसको चिपकाने के लिए मुझे चाहिए 3M टेप। अब 3M टेप मुझे कहाँ मिलेगा, या तो मुझे जाना पड़ेगा कोई एक्सेसरी शॉप में। तो कल जैसे मुंबई पहुंचता हूँ ना, फिर मैं यश को फोन करता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई इसका बंदोबस्त करके रख, ये देखो गिरेगा, एक गिरा गिरा गिरा, देखो भाई। चलो अभी सब सीट बेल्ट को बराबर रखते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि है ना भाई मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ आज। कसम निकल, तो मैं खाना वाना कुछ खाने नहीं वाला हूँ, मैं गाड़ी में सोने वाला हूँ। सोचा था रूम लूंगा आज, लेकिन रूम भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि रूम लेकर कोई फायदा है नहीं, इतनी अच्छी ठंड है यहाँ पे। एंड आज मैं चादर भी लेके आया हूँ, तो उस गाड़ी में सोऊंगा। एंड फिलहाल तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा नाश्ता किया था मैंने और राज ने। तो बस अभी आराम करते गाड़ी में, बूट बूट निकालता हूँ, एंड पीछे का सबसे सीट टेढ़ा मेढ़ा है ना उसको भी सीधा करता हूँ। एंड सोऊंगा आज मैं इस तरफ, नहीं इस तरफ कहाँ सोऊँ, लेफ्ट में सो, राइट में सो, छोड़ो ना राइट में सोता हूँ मैं। तो चलो व्लॉग का एंड नहीं करता हूँ, लेकिन और मैं लैपटॉप भी लेके आया हूँ, तो अभी थोड़ा बैठ के एडिटिंग करूँगा। अभी ये भी बैठ के एडिटिंग करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे गाड़ी चालू करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि नहीं तो फिर वो लैपटॉप चार्ज नहीं होगा। अभी जैसे लैपटॉप चालू किया हूँ, एंड कल के व्लॉग एडिट भी हो चुका है, अपलोड भी हो चुका था, ये सब मैंने घर पर कर लिया था अपलोडिंग वगैरह वगैरह। तो थोड़ा थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कीवर्ड्स, ये सब करना बाकी है। तो ये सब करके कल सुबह को व्लॉग अपडेट कर दूंगा, मतलब लाइव कर दूंगा ऑन यूट्यूब सुबह को 10 बजे। एंड गाड़ी में बैठ के फिलहाल ये सब करने में बहुत अलग ही मजा आ रहा है, क्योंकि बाहर है ना बहुत ज्यादा ठंडक है भाई, बहुत ज्यादा। मैं आपको ना बाद में जाकर टेम्परेचर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर, मतलब डैशबोर्ड पे कि कितना टेम्परेचर है बाहर। मेरे हिसाब से ना अप्रोक्सीमेट रहेगा 2100 रहेगा ये टाइम पे भाई। 2 व्लॉग एडिट हो चुका है, एक अपलोड भी हो चुका है, एंड एक लास्ट जो है ये अभी देखो एक्सपोर्ट हो रहा है, देखो प्यार से देखो इसको, ऐसे दिखाता हूँ आपको। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड इसके बाद इसको मैं रख दूंगा अपलोडिंग के लिए यूट्यूब पे। लेकिन आज पता नहीं मेरे फोन का जो बैटरी है ना कुछ ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो शायद इसको मैं आज अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि इसे भी इसको कल लाइव नहीं होना, इसको परसों लाइव होना है। तो कल मैं जब मुंबई पहुंचूंगा ना, तो मैं यश के घर पर जाने वाला हूं, तो यश के घर पर जाके इसको लाइव कर दूंगा वाईफाई पे फटाफट। एंड इसको फिलहाल तो एक्सपोर्ट होने के लिए रुका हूं, एक बार एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट तो जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं है सर। मैं इसको और अप्रॉक्सीमेट 36 मिनट्स लगेगा इसको, ना कहा गया 36 मिनट्स। तो भाई मैं सोच रहा हूँ अभी है ना फटाफट सो जाता हूँ, कि टाइम इज ऑलरेडी 10:45, सुबह को वापस उठना है, फ्रेश होना है, फिर वापस बाहर जाना, चाय नाश्ता करना है। तो फिलहाल तो अभी मैं ये वॉशरूम यूज़ करता हूँ ड्राइवर का, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शिरडी का, जब मैं आया था एंड मैं हमारे एक मित्र के साथ गया था खाना खाने को, तो मैंने आपको बताया था। एंड उन्होंने भी बोल रहा था कि शिरडी में जब आप आते हो ना, तो मतलब शिरडी नहीं कोई भी आप होटल में जाते हो ना, तो ड्राइवर के लिए सुविधा कुछ होती नहीं है भाई। अभी मैं जो प्रॉपर्टी में आया हूँ ना, इस प्रॉपर्टी का नाम है होटल सन एंड सैन, एंड यहाँ पे ड्राइवर के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। अगर कस्टमर रिसेप्शन बोलते हैं कि मेरा ड्राइवर आया है, एंड एक नॉमिनल चार्ज होता है कोई 100 या 200 रुपया दैट दे हैव टू पे टू द होटल, तो डोरमेट्री सिस्टम है जहाँ पे ड्राइवर आराम से सो सकते हैं, नहाने के लिए गर्म पानी है, खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन खाना आप खुद मैनेज कर सकते हो, प्लस जो वॉशरूम है वो भी एकदम क्लीन है। लेकिन फिलहाल तो मैं गाड़ी में सो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना गाड़ी में बहुत सारा काम बाकी था, तो लैपटॉप एडिटिंग वगैरह सब कर रहा था। तो आई प्रेफर्ड कि मैं गाड़ी में सो जाऊँ, एंड वॉशरूम का जो है
यहाँ पे वॉशरूम क्लीन है, तो मॉर्निंग को जाकर मैं वॉशरूम यूज कर लूंगा एंड उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगा। एंड गाइस ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये शिरडी में वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट एंड द मोस्ट बेस्ट प्रॉपर्टी है दैट यू कैन एवर लिव इन शिरडी। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी अगर ये लोग ड्राइवर के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो भाई आप बाकी सब जो प्रॉपर्टीज है नॉट जस्ट इन शिरडी, हाँ हर जगह पे एवरीवेयर, तो वो लोग भी ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं भाई, क्योंकि ड्राइवर इतना दूर से थक के आता है पूरा ड्राइविंग करके, कस्टमर को यहाँ पे लेके आता है, आपके पास लेके आते हैं। अगर ड्राइवर की नींद पूरी होती है, अगर ड्राइवर फ्रेश फील करेगा ना भाई, तो नेक्स्ट डे जर्नी इतनी खूबसूरत होती है ना, तो ये बात कौन समझ सकता है, या तो कस्टमर या तो ड्राइवर। अगर कस्टमर ये बात नहीं समझ सकता है तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ड्राइवर को तो कैसे ना कैसे ड्राइविंग करना ही है, चाहे वो उसका मूड फ्रेश हो नहीं हो, पेट में खाना पचा है नहीं पचा है, रात को नींद आई है प्रॉपर नहीं आई है, गर्दन पेन हो रहा है, कमर पेन हो रहा है, ऐसे सोना पड़ता है इसके ऊपर, मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखो इस तरीके से सबको हमको सोना पड़ता है। चलो मेरे तो बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है जैसे वहाँ पे छोटी गाड़ी है, ये लोग कैसे मैनेज करते होगे भाई, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कस्टमर्स को एंड होटल वाले को कि भाई ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करो और अच्छी व्यवस्था करो। चलो भाई बहुत ज्यादा फरमाइश कर लिया मैंने होटल वालों से, कस्टमर से, एंड अभी है ना बेडिंग तो हो चुका है, गाड़ी थोड़ा टाइम चालू करता हूँ, मेरे को फोन चार्ज करना है, और ठंडे के टाइम पे मैं ड्राई बैटरी यूज नहीं करूंगा, ड्राई बैटरी मतलब एसी बैटरी यूज नहीं करूंगा, गाड़ी चालू करके यूज करूंगा, नहीं तो मालूम पड़ा सुबह को बैटरी डाउन हो जाएगा। एंड ये तो अपना काम हो रहा है, कपड़े भी चेंज करना है, नहीं कपड़े चेंज नहीं करूंगा मैं, आज बेडशीट लेके आया हूँ तो बेडशीट यूज करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर दिखाना था ना, हाँ देखो टेम्परेचर तो याद है आपको, टेम्परेचर दिखाना है, ए भगवान इसे पैर घुसेगा कि नहीं मेरा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है, मैंने सीट एकदम आगे कर दिया है, ए ओ माँ कसम, जा 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 गया 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 गया, एक मिनट भाई एक मिनट, क्लच की तरह क्लच है कि ब्रेक है, बी सी हाँ ये क्लच, ठीक है अभी आपको मैं दिखा कितना टेम्परेचर है, 20 degrees टेम्परेचर, और टाइम क्या है 10:50, सुबह को तो ये 16 degrees तक पहुँचा था भाई, 16 degrees, तो अभी थोड़ा टाइम मैं गाड़ी में ना हीटर चालू कर लेता हूँ, प्लस मेरा फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ। तो भाई चलो अभी सब कुछ हो चुका है, कपड़े भी चेंज हो चुका है, एंड बैक लैपटॉप पे जो एडिटिंग कर रहा था वो भी हो गया है, लैपटॉप को बंद करके रख दिया हूँ अभी, तो अपलोडिंग नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का स्पीड बहुत कम है, ऐसे भी ये व्लॉग को कल नहीं परसों आना है, तो फिलहाल तो मैंने अभी गाड़ी चालू रखा है, गाड़ी मतलब गाड़ी बंद कर दिया है, सिर्फ फर्स्ट इग्निशन पे रखा हूँ, क्योंकि इनोवा में एक ऐसा फीचर है कि आफ्टर 10 या 15 मिनट्स के बाद ना ऑटोमेटिकली टू सेव द बैटरी ड्रेन ना हो उसके लिए ना वो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है, तब तो जितना फोन चार्ज होगा इतना फोन चार्ज होगा। एंड मैंने अपने गाड़ी में ना ये लाया हूँ पावर बैंक, तो पावर बैंक मैंने फुल चार्ज कर लिया है, तो एक बार ये कट आउट हो जाएगा उसके बाद मैं पावर बैंक यूज करूंगा एंड उसे मैं अपना फोन को चार्ज कर लूंगा। एंड देखो गाइस आज फाइनली मैं लेके आया हूँ चद्दर, इतना मोटा चद्दर लेके आया हूँ ना, इसमें कम से कम 2 या 3 लोग सो सकते हैं, इतना मोटा चद्दर है। मैंने पहले बोला था पंकिता को भाई एकदम मोटा चद्दर दे, ताकि ठंडी में ना मैं इसको डबल करके सो सकूं, ना डबल करके इसको अपने ऊपर लेके मैं आराम से सो सकूं वैसे। तो अभी देखते हैं रात को कितना ठंडी लगता है, बिकॉज अभी तो ठंडी नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन मैंने विंडो ना थोड़े थोड़े रोल डाउन कर दिए, देखो आप चारों रोड इतने रोल डाउन कर दिए है ताकि अच्छे से वेंटिलेशन आए एंड रात को अच्छे से नींद भी आए। भाई बहुत ज्ञान बांट लिया, इसके अंदर है ना मेरे पास एक लेस का पैकेट है, तो लेस है कि क्या है पता नहीं, वो मेरा है कि ऋषि का था वो भी मुझे मालूम नहीं भाई, क्या है ये चिप्स, ये कौन सा कंपनी का भाई, क्या नाम लिखा है, यूरो, पता नहीं भाई ये मैंने तो लिया नहीं है 100%, तो ये ऋषि का ही रहेगा, लेकिन खाओ लू नहीं, भूख भी नहीं है, छोड़ो, ऐसा नहीं कि वो यूरो ब्रांड का इसलिए नहीं खा।